हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 9.4 का। इसमें भी स्टूडेंट्स देखो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ही है, और अगर हम हर एक में टर्म्स गिने तो बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन ही बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में करनी है। सो आई होप कि आप लोगों के लिए अभी तक काफी इजी क्वेश्चन बन चुका होगा, जस्ट बिकॉज आप लोग सेवेंथ में भी सीख के आए हो एंड एट्थ में भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। हाँ, मल्टीप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। मैथ्स स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल होती है, एम आई राइट? ठीक है, मैथ्स होती है कंसेप्चुअल। अगर आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट आ गया, दैट मीन्स कि आपको मैथ्स आ गई। हाँ, डिफरेंट वैरी, वो जो मेथड्स होते हैं वो वैरी करते हैं। लाइक मेथड किसी का, किसी क्वेश्चन को करने के दो मेथड भी हो सकते हैं, तीन मेथड भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हर एक क्वेश्चन में दो मेथड एटलीस्ट करके बताए हैं कि हाँ देखो, इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, ये और ये, राइट? नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 5 - 2x और 3 + x। तो 5 और 3 = 15, 5 × x 5x, -2x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x -2x2। ओके, सो -2x2। अब देखो, ये दोनों जो टर्म्स है वो लाइक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा और प्लस 15। माइनस एक्स कैसे आया कोई बताएगा? कि माइनस एक्स कैसे आया? -6x एंड +5 करेंगे तो बचेगा तो 1x, बट किसका? नेगेटिव का, क्योंकि 6 के आगे नेगेटिव है, जो बड़ी डिजिट है उसके आगे है ना। अब देखो, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो यही है, बट फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइनस को कॉमन लेके 2x² प्लस एक्स और -15 ऐसे लिख सकते हैं। ओके फाइन, नाउ सेकेंड पार्ट, एक्स प्लस 7y और 7x - y। एक्स और 7x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x², एक्स और -y को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x y। नाउ 7y और 7x को करेंगे तो 49xy एंड 7y -y -7y². सो 7x² -7y² और देखो ये है लाइक टर्म्स, तो इसमें क्या होगा? -xy और +49xy में +48xy हो जाएगा। आई होप यू ऑल गेट इट नाउ कि कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब जो इस वाली एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन बचा है वो भी स्टूडेंट सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सिमिलर एकदम सेम कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ थर्ड पार्ट, a² + b एंड a + b². सो a और a² और a को मल्टीप्लाई करेंगे, देन a³, a² और b² को a² b² नाउ b और a को ab एंड नाउ b एंड b² सो b³। तो क्या बन गया? सॉरी, a³ + b³ + a² b² + ab। दिस इज द आंसर। अब इसमें सॉरी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया आंसर। अब देखो, इसमें हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते, सिमिलरली इन दिस हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते। सो नाउ फोर्थ पार्ट, p² - q² 2p + q 2p³ p² को 2p से करेंगे तो p² को q से करेंगे तो p² q। नाउ -q² और
टू पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू पी क्यू स्क्वायर नाउ माइनस पी क्यूब, तो क्या हो गया आंसर, टू पी क्यू माइनस क्यू क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू एंड माइनस टू पी क्यू स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप लोग ऐसे ही छोड़ दोगे आंसर। देखो अगर कॉमन आ भी रहा है और अगर आपने नहीं लिया, अगर आपने सिंप्लीफाइड करके ही आंसर छोड़ दिया, कोई इश्यू नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है कि आपको कॉमन लेना है नहीं लेना है। इट्स ऑल योर विश कि आप लोग कैसे लिखना चाहते हो, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा करना चाहते हो, इट्स ऑल योर विश। अगर आप लोग सपोज लेट सपोज कि इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है और मैंने बाय चांस अगर आंसर यहां पे छोड़ दिया, कॉमन नहीं लिया, कोई भी मार्क्स का डिडक्शन नहीं है, आपका आंसर सेम माना जाएगा। बट अगर किसी किसी की पर्टिकुलरली टीचर ने, जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी अलग है, तो अगर किसी की टीचर ने पर्टिकुलरली ये चीज कहा है कि भाई तुम्हें तो जो लास्ट वाला आंसर है अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो तुम्हें पक्का कॉमन लेना ही लेना है, उसके बाद आंसर लिखना है, देन इट विल बी मैंडेटरी बिकॉज मार्क्स तुम्हें वो टीचर दे रही है, मैं नहीं दे रही। सो तुम अपने टीचर के अकॉर्डिंग करो, ठीक है, समझ में आया, आई होप क्लियर है कि कोई जरूरी नहीं है कॉमन लेना अंटिल एंड अनलेस योर स्कूल टीचर विल टेल यू कि भाई कॉमन लो जरूरी है। ओके फाइन, सो अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, वीडियो डाल दूंगी, नहीं तो और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी एक पर्टिकुलर एग्जांपल उठा के। कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं समझ में आता तो ही कैन और शी कैन कॉमेंट। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।